नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी का एक मैच खेला जा रहा है कर्नाटका और ओडिशा के बीच। मुकाबले में ओडिशा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए आए कर्नाटका की शुरुआत काफ़ी शानदार रही। कर्नाटका के लिए कप्तान सामर्थ और देवदत्त पड्डिकल ने बेहद ही कमाल की बल्लेबाजी की। पहले विकेट के लिए दोनों ने मिलकर 140 रन जोड़े। पड्डिकल ने शानदार शतक जमाया, वहीं सामर्थ 60 रन बनाकर आउट हो गए। पड्डिकल 121 गेंदों में 10 चौके और एक छक्के के साथ 102 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल 40 ओवरों के बाद कर्नाटका का स्कोर 215 रनों पर 2 विकेट है। करुण नायर देवदत्त पड्डिकल के साथ 9 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पे बता दूं आपको कि बेहद ही कमाल की बल्लेबाजी की है देवदत्त पड्डिकल ने। 10 चौके और एक छक्के की मदद से 102 रन बनाए हैं उन्होंने। 121 गेंदों का अभी तक सामना किया है, नॉट आउट खेल रहे हैं। और एक बात बता दूं कि इन्होंने पिछले मुकाबले में बिहार के खिलाफ बेहद ही शानदार बल्लेबाजी की थी, शतक से चूक गए थे वो, वहां पे जरूर 97 रनों की शानदार पारी खेली थी। कर्नाटका की पारी के अभी भी 10 ओवर शेष हैं और ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि देवदत्त पड्डिकल अपना 150 रन पूरा करेंगे और साथ ही टीम के स्कोर को 300 तक पहुंचाएंगे। देवदत्त पड्डिकल जिस फॉर्म में चल रहे हैं, निश्चित ही वह 150 रन पूरा कर सकते हैं इस मुकाबले में। और आने वाला है आईपीएल, तो ऐसे में इनकी जो ये फॉर्म है वो निश्चित ही इनके फ्रेंचाइजी को कहीं ना कहीं खुश कर रही होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। साथ ही आप अगर हमारे चैनल के वीडियोज को सबसे पहले देखना चाहते हैं और क्रिकेट के लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ। लव यू ऑल।